हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 जीके क्वेश्चन बताएंगे और उनके आंसर भी बताएंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए असम। अब हमारा दूसरा सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अब हमारा तीसरा सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। अब हमारा आज का चौथा सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी लंदन में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सरदार पटेल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जीना, ऑप्शन सी चर्चिल या ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी चर्चिल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय और ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1889। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 1869। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए रंजीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए
सुवर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक या ऑप्शन डी कोसी। तो आपके पास ऑप्शन 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा। तो ये थे आज के हमारे 10 जीके क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।